पहले जय माता दी। जय माता दी। और हम पहुंच गए समय कटरा पर, और अभी जस्ट हमारी ट्रेन अभी यहाँ पर पहुंची है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो भाई जैसे ही हम अपनी ट्रेन से निकले, यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है ना, तो मैंने इस समय ओढ़ लिया है कंबल, और किट्टू को मैंने पहना दिया जैकेट कि थोड़ी ठंड ना लगे उसको। और इतना सुंदर स्टेशन है ये, इतना क्लीन स्टेशन है कि देख के मजा आ गया। बाहर से मैं आपको स्टेशन दिखा देता हूँ। तो कटरा पहुँचने के बाद सबसे पहले हमें ढूंढना होता है ऑटो, या हम गाड़ी भी कर सकते हैं बस स्टैंड पहुँचने के लिए। और ये है वैष्णो देवी का आइकॉनिक चौक, ये मेन चौक है यहाँ कटरा का। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ का एक काम जरूर करना, आप एक यात्री सिम जरूर ले लेना। अगर आप जम्मू के बाहर से आ रहे हो तो आपके फोन में जो प्रीपेड सिम पड़ी हुई है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तो दोस्तों हम पूरे परिवार के साथ अब आ गए हैं, और सुबह हम पहुंच गए थे कटरा लगभग 6 बजे के आसपास, और हम यहां से नहा के तैयार होके अब हम निकलते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों जिस होटल में हम रुके हुए हैं वो है होटल माँ, और ये पड़ जाता है बिल्कुल मेन रोड पर जो सीधा बाणगंगा की तरफ जाता है, जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, और यही बालकनी वाला रूम मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों हम बस जल्दी जल्दी हम नहाए तैयार हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका आधार कार्ड होना यहाँ जरूरी है, और ये मैंडेटरी है कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही करवाना है। बहुत भीड़ है यहाँ पर नंबर लगवाने के लिए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा हमारा। भैया बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो, वैसे मैं 4-5 बार आया हूँ, इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी है। हालांकि सीजन में होती है इतनी ज़्यादा भीड़। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हम करवा के आ गए हैं, अभी हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से हम 3-व्हीलर करेंगे, जो कि 3-व्हीलर डायरेक्ट बाणगंगा जाके हमें उतारेगा, जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ से बिल्कुल बस स्टैंड के पास से हमने कर लिया है ऑटो, जो हमें बिल्कुल मेन गेट पर छोड़ेंगे, और इनका चार्जेस हमने इन्होंने हमसे लिया है 150 रुपये। वैसे अगर हमने थोड़ा सा आगे से लिया है तो 150, पीछे से 160 था। और बिल्कुल बस ये है कि रोज हम पैदल जाते हैं, तो उससे ये है कि 2 किलोमीटर हमारा बच जाएगा, 1.5 किलोमीटर। तो डायरेक्ट हम गेट से चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मेन गेट की तरफ। तो भाई हम आ गए हैं बिल्कुल गेट पर वैष्णो देवी मैया के, जहाँ से बिल्कुल चढ़ाई स्टार्ट होती है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, और जब रात को आता है ना यहाँ का बड़ा अच्छा सीन रहता है। ज़्यादातर मैं चढ़ाई यहाँ पर रात को स्टार्ट की है, आज फर्स्ट टाइम मैं दिन में चढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चेकिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको पूरा बैग चेक किया जाएगा, और आपको भी चेक किया जाएगा कि कहीं आप यहाँ से बीड़ी गुटखा पान मसाले या कोई बड़ा कैमरा तो नहीं ले जा रहे हैं, या वीडियोग्राफी के लिए कोई बड़ा कैमरा नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि फ़ोन और गोप्रो अभी अलाउड हैं। तो भाई हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जैसे चढ़ाई स्टार्ट करेंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, और इसी रास्ते से लोग वापस भी आते हैं, और यही रास्ता चढ़ाई के लिए भी है। तो दोस्तों चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है, बोलो जय माता दी। सभी लोग प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो जय माता दी। दोस्तों जैसे अगर आपके साथ कोई 4-5 साल की बच्ची हो या 2-3 साल का बच्चा हो, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कमर पे लाद के लाते हैं, तो नीचे ही दुकानों पर ना 500-500 रुपये में ऐसे मिल जाते हैं जो ट्रॉली होती हैं, और उसमें बच्चों को रख के आप ला सकते हो। अब इसमें आराम से आ रही है, लेटते हो इसमें, आपको बैग भी रख सकते हो, और ऐसे ही दुकानें आपको बीच में मिल जाएंगी, इन दुकानों पर आपको ट्रॉली मिल जाएगी। तो वो आपको सिक्योरिटी जमा करवाते हैं लगभग 2000 के आसपास, और उसी में 500 रुपये इंक्लूड होता है, ये जिसमें लाना ले जाना दोनों होता है। दोस्तों हम आ चुके हैं समय चरण पादुका पर, पायरा समय थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, और मैं भी, और इनकी मम्मी गई हुई है अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर मैं अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ चरण पादुका के। तो दोस्तों चरण पादुका वो स्थान है जहाँ पर जब भैरव बाबा वैष्णो देवी माँ के पीछा कर रहे थे, तो वैष्णो देवी माँ उसमें बालक रूप में थी, तो यहाँ पर रुककर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था कि वो अभी कितनी दूर है, और उस समय के पदचिन्ह अभी भी इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं। और जब आप यहाँ चढ़ाई करोगे ना, आपको जगह जगह पर हर 10 कदम पर ऐसे कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट, जूस की दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको, तालाब होना मिठाई वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे से कुछ खाना वगैरह पैक करके लाओ, आपको सब यहीं ऊपर ही मिल जाएगा। तो भाई जब आप चढ़ाई करते हो ना, ऐसे 2 तरह के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। एक तो जैसे ये है, इस सीढ़ियों की संख्या 360 है, हृदय रोगी वृद्धारोग्य अनुरोध है कि सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। फिर दिल की प्रॉब्लम है, ओड़े थोड़े थके हुए हैं, उनको सीढ़ियाँ से नहीं जाना चाहिए। हालांकि बहुत शॉर्टकट हो जाता है, जवान लड़के प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम जैसों के लिए भी नहीं है भाई। हम चल रहे हैं सीधे
रोड से भाई, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थक चुके हैं। मतलब एक तो चढ़ाई में अपना ही वजन उठाना बहुत भारी रहता है, ऊपर से हमने ये ट्रॉली ले रखी है जिसमें किट्टू भी है और हमारा बैग भी रखा हुआ है। एक तो चढ़ाई करो, ऊपर से रोड छोटा है और ऊपर से ये हर एक सेकंड में 10 सेकंड में ये घोड़े आते रहते हैं, जिनकी वजह से जो चढ़ाई है वो और मुश्किल हो जाती है। थोड़ी दूर पर ना आपको इस तरह की कुर्सियाँ मिल जाएंगी, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चेयर हैं, आप इसमें बैठ के मसाज ले सकते हो। के लिए हम इसमें भैया दूध लाए थे, तो उसको थोड़ा दूध पिला रहे हैं अभी और रेस्ट कर रहे हैं। और देखो यार कितना भीड़ है, मतलब इन घोड़े वाले ना बिल्कुल चलने ही नहीं देते जो पैदल आदमी है। भाई थक गए पूरी तरह, कार थकी नहीं है भाई, लेकिन मेरे तो बैंड बच चुकी है इसको ऊपर उठाने में। मैं कई बार आया हूँ, मैं इतना नहीं थका, लेकिन सच में ट्रॉली को लेकर चढ़ना बड़े मेहनत का काम है। अभी तो हम अर्धकुंवारी भी नहीं पहुंचे और झाग निकल चुके हैं बिल्कुल। इतना मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं थका। मतलब बात ये नहीं है कि तुम ऊपर पहुंच जाओ और केवल दर्शन करके आ जाओ, मतलब रास्ते का भी मज़ा होता है। मतलब ये पहाड़ियों पर चढ़ना, थकना, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना, मतलब भाई साहब हाँ, मतलब पहली बार क्या, मतलब बस जय माता दी बोलते जाओ, चढ़ते जाओ। मैं 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पर और अब 5वीं बार आ रहा हूँ, तो मुझे तो खैर आदत है, लेकिन जो पहली बार आ रही है भावना, पहली बार आई है तो इसको बहुत कैड़ा पड़ रहा है मतलब। लेकिन भाई रास्तों का ही मज़ा है, बाकी ऊपर दर्शन करके तो फिर लोगों को लगता है कब वापस जाएं। यही वो रास्ते हैं जो चढ़ाई तो हमेशा, और यही वो रास्ते हैं जिनको आगे याद रखते हैं। अभी हम वैष्णो देवी गए थे और इतनी चढ़ाई की थी, तो जितना भी चढ़ रहे हैं वो इन्जॉय करें, क्यों भाई। और चलिए आगे चलते हैं। और लगभग हर 400-500 मीटर पर आपको जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको टॉयलेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जाना है कैसे नहीं। हर 400-500 मीटर पर आपको टॉयलेट मिल जाएंगे, साफ़ होंगे बिल्कुल। हम यहाँ पर कॉफ़ी ले रहे हैं और यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हो। ठीक, सब बहुत भीड़ है, मतलब निकले कहाँ को और कहाँ नहीं निकले, घोड़े वालों ने पूरा रास्ता कब्जा कर रखा है और कभी कभी थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है ये। अरे देखो ना, बिल्कुल भी जगह नहीं है और पूरा रास्ता घोड़े वालों ने कब्जा रखा है। जैसे आप भैया अर्धकुंवारी पहुँचोगे, सबसे पहले जो भोजनालय पड़ेगा वो पड़ेगा इंद्रप्रस्थ भोजनालय, अर्धकुंवारी से बिल्कुल 200 मीटर पहले पड़ेगा ये। और मैं थोड़ा अंदर का दिखा देता हूँ यहाँ का, इसमें ऊपर ही बैठने के लिए अच्छी जगह है। और ये भावना खड़ी हुई है, कायरा सो गई है अभी। और इंद्रप्रस्थ भोजनालय के रेट लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? अब थकान भरा। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? और जैसे ही आप अर्धकुंवारी पर पहुंचोगे, यहाँ पर बढ़िया बड़े रेस्टोरेंट जैसे सागर रत्ना, मैकडी, बीकानेर वाला और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो भाई हमने अभी मंगवाया था डोसा, हम आए हैं सागर रत्ना में खाना खाने के लिए। डोसा और किट्टू के लिए रसगुल्ले मंगाए थे, मैंने अपनी लस्सी मंगाई थी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, जिसको लोग गर्जुन गुफा के नाम से जानते हैं। यही वो जगह है जब भैरव बाबा जगदम्बा माँ के पीछे पड़ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, और वो कन्या रूप में उन्होंने यहीं पर आकर एक गुफा में 9 महीने के लिए तपस्या की थी। वो गुफा आज भी मौजूद है और लोग दूर दूर से उस गुफा के दर्शन करने आते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि लोग कितने भी मोटे हों या कितने भी पतले हों, हर कोई उस गुफा से निकल जाता है।
तो गर्वजुन गुफा में दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि स्लिप लेनी पड़ेगी जिस पर एक ग्रुप नंबर मेंशन होगा कि उस ग्रुप नंबर के नंबर आने पर ही आपको गर्वजुन गुफा में दर्शन करने के लिए बुलाया जाएगा। पर्ची वहाँ से मिलती है और आपके साथ जितने भी लोग हैं, जैसे 6 लोग हैं 7 लोग हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन जो कार्ड आपको नीचे से मिला होगा वो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। उसी बेस पर उस स्लिप पे नंबर लिख दिए जाते हैं कि 6 लोगों के लिए ये स्लिप और ये नंबर मान्य है। तो भाई मामला वैसा है, कुछ इस तरह की पर्ची होती है जिसमें हमारा नंबर आया 285। अब 285 क्या है, एक ग्रुप में ना 50 नंबर होते हैं, 50 लोग होते हैं ग्रुप में। अभी मैंने वहाँ पर देखा था 600 कुछ चल रहा है, फिर वो 1000 होगा, 1000 के बाद फिर 285 होगा, और एक ग्रुप जो है 50 लोगों को होता है, 2 घंटे के लिए उनको एंट्री मिलती है, मतलब 2 घंटे में 50 लोग गर्वजुन गुफा को देख लेते हैं। तो अभी मैंने पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो उस हिसाब से मेरा नंबर आएगा परसों सुबह को जाके। तो अभी हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके हम वापस आएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा नंबर आता है नहीं आता है। अगर देखो वहाँ पर क्लोक रूम है, अगर जैसे आपको आपका नंबर आ गया गर्वजुन गुफा में जाने के लिए, तो वहाँ जाकर आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं, या आपको ताला देंगे, चाबी देंगे, सामान उसमें रख दो और फिर वापस यहाँ पर दर्शन करने के बाद उस क्लोक रूम में जाके अपना सामान वापस ले लो, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो गर्वजुन गुफा से 2 रास्ते जा रहे हैं जो कि भवन तक जाते हैं, एक ये वाला रास्ता है और एक सामने है। ये रास्ता नया बना था कुछ साल पहले, लगभग 8-10 साल हो गए हैं। तो भवन का रास्ता ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इसको हमेशा चूज़ करें। अगर आप इस वाले को चूज़ करोगे तो इसकी चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी है और इसमें सच में मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा जब भी जाएं उसी रास्ते से जाएं। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा नंबर अभी शायद कल आएगा, तो अभी हम पहले भवन के दर्शन करके आते हैं। दोस्तों देखो मैंने क्या बनाया, एक दिल छोटा सा। काफी सुंदर रास्ता बना दिया गया है, हालांकि थोड़ा सा रास्ता है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो 5 किलोमीटर रह गया भवन, संघर्ष जारी है। हाँ जी, आप कैसे मुँह फूल रहे हैं? खड़ी बहुत, चढ़ाई बहुत खड़ी है इसमें, आधे में थोड़ी सांस फूल रही है, कुछ नहीं। मतलब कार्टून वाली मूवी देखी है जिसमें दिल यहाँ तक आके धड़कता है, मतलब वो वाली हालत हो रखी है यार। चलो चलते हैं, खत्म तो करनी है। जय माता दी। ये देख रहे हो यहाँ पर जाल लगे हुए हैं इस जगह और इस जगह पर, दोनों जगह पर, और उसके नीचे ना अगर देखोगे पत्थर लगे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो पत्थर बार बार गिरते रहते हैं इस वजह से सेफ्टी के लिए जाल लगाया होता है, और यहाँ पर लिखा भी होता है कि यहाँ रुके ना, चलते रहें। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं और सामने बिल्कुल हमारे वैष्णो देवी माता का भवन है, और यहाँ से लगभग 20-25 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो जय माता दी। और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, बहुत तेज़ी से आए हैं भाई, 2-2.5 घंटे में हमने पूरा पार कर दिया है अर्धकुंवारी से। तो जैसे आप भवन के पास पहुंचने वाले होंगे, बीच में एक शॉप पड़ जाएगी जो कि है भेंट शॉप, और यहां से आप ना 100 रुपये का प्रसाद ले सकते हो, जिसमें आपका नारियल भी होगा, और आपको नारियल का नहीं लेना है तो 50 रुपये में आपको प्रसाद मिल जाएगा चढ़ाने के लिए। और भाइयों बिल्कुल हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी माँ के भवन पर, चलिए दर्शन करके आते हैं। कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं है, और दर्शन करने के बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ देवी माँ के दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट करते हैं। 1 hour later। तो भाई दर्शन करके हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और लगभग शाम के कितने बजे है ना, लगभग बज रहे होंगे अभी 6:30। तो भाई दर्शन करने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज भूख, हम आ गए थे यहाँ पर तिरुपति भोजनालय में, लेकिन भीड़ देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर खाने के लिए। और ये जो साइड में आप जाली देख रहे हो ना, इसी में लग के लोग मतलब भवन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है क्योंकि अभी वहाँ पर आरती हो रही है, 6:30 बजे हुए हैं। तो आप भी याद रखो कि आरती से पहले ही आप दर्शन कर लो, वरना आपको 2-2.5 घंटे रुकना पड़ेगा या लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाइयों वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है जो यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप देवी माँ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो वो बिल्कुल मतलब उनके दर्शन करना ज़रूरी होता है। आप रोपवे से भी वहाँ जा सकते हो, लेकिन याद रहे टिकट आपको 5 बजे तक ले लेना है, और टिकट की जो अवधि होती है वो केवल 2 घंटे तक मान्य होती है, या आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, और ठीक टाइम पर अपना वहाँ पहुँच जाना है। अभी भी रोपवे चल रहा है, अभी 6:30 हो रहे हैं, ये इसलिए चल रहा है कुछ लोग वहाँ पर वेटिंग एरिया में होंगे जिनके लिए अभी जा रहा है, वरना अब वहाँ टिकट नहीं ले सकते तो अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर रात के बज गए 8 और हमने स्टार्ट कर दी चढ़ाई भैरव बाबा की, भैरव बाबा घाटी की तरफ, और
बहुत ऊंची सी ऊंचे ढलान है यार, थक गए हैं। थक तो हम पहले गए थे, कायरा को वहाँ से उठा के ला रहे थे गाड़ी में, और अभी भी कायरा को लेके चल रहे हैं। चढ़ाई देखो कितनी ऊंची है, भैरव बाबा की चढ़ाई की तो खड़ी कहने है क्या, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। भाई हम वहाँ से आए हैं और अभी हमें भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए उस ऊपर वाले पे जाना है। भाई थक के बिल्कुल चोर हो गए हैं। चलो यार चढ़ाई तो करनी है, किट्टू को भी चढ़ाना है ऊपर। तो दोस्तों भैरव बाबा के मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर। आप देख सकते हो लोग कंबल ओढ़ के खड़े हुए हैं, जैकेट पहनी हुई है, और इवन लोग धरती में भी बिल्कुल कंबल के ऊपर कंबल डालकर सो चुके हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं आपको भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। यह है भैरव बाबा का मंदिर, तो यहीं से लोग एंट्री करते हैं, यहीं से एग्जिट कर जाते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे अर्धकुंवारी पे गर्जुन गुफा के दर्शन करने के लिए। और कैसे हमारा 3 दिन का नंबर केवल 1 दिन में ही आ गया, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो भाई भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मेरे अलावा मेरे सारे फैमिली मेंबर जा चुके हैं अंदर गर्जुन गुफा के दर्शन करने के लिए। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं पहले ही गर्जुन गुफा के दर्शन कर चुका हूँ। जो कहानी थी इसके पीछे वो क्या थी, कैसे हमारा नंबर इतनी जल्दी आ गया जो 3 दिन में आने वाला था, वो इसलिए क्योंकि जब हम दोपहर में भवन की तरफ जा रहे थे, हमें 2 हरियाणवी लोग मिले। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें गर्जुन गुफा की पर्ची चाहिए तो ये लो हमारी ले लो, हमारी अभी की ट्रेन है कुछ घंटे बाद की, तो हमें अभी निकलना पड़ेगा, और जब तक तुम दर्शन करके आओगे तुम्हारा नंबर आ चुका होगा। तो वो हमें 10 लोगों की पर्ची दे के चले गए, जिसमें हमारे 6 लोग अंदर दर्शन करने चले गए हैं। तो यही होता है कि जब माता को आपको बुलाना ही होता है तो वो कैसे भी करके आपको बुला ही लेती है। और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।